हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पे आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जो मनोज दे का चैनल ओपन किए हुए हैं। और आप इसके अबाउट सेक्शन में देखते हैं यहाँ से जो आप सोशल मीडिया का लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर जो इसी तरह का लिंक आप अपने चैनल में डालना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से आप लोगों को बैक चले आना है, और बैक आ जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्रोम को ओपन कर लाए। क्रोम को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को टाइप कर देना है youtube.com। यहाँ से आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक तीर का आइकन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइट में कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आपका जो चैनल है उसका लोगो दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को योर चैनल पर क्लिक कर देना है। योर चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। जो हमारा चैनल है सो हमारा YT स्टूडियो में ओपन हो रहा है आप लोगों के सामने। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा चैनल था सो YT स्टूडियो यानी कि क्रोम में ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो म्यूजिक से सबसे ऊपर वाले है ऑप्शन, इसी पे आप लोगों का चैनल ओपन होगा और आप लोगों को इस यही रहने देना है। इसका नाम है कस्टमाइज। तो यानी कि यहाँ से आप लोग जैसे इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम आप लोगों को जूम कर दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को ऐड लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक टाइटल रिक्वायर्ड और इंटर ए लिंक, यानी कि आप किस चीज़ का लिंक डालना चाहते हैं उसको यहाँ से आप लोगों को टाइपिंग कर देना। और इधर देख सकते हैं URL रिक्वायर्ड और इंटर ए URL, यानी कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर जिस किसी का भी आप लिंक डालना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आप डाल सकते हैं। पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपना टाइटल डाल देना होगा, तो यहाँ से हम अपना इंस्टाग्राम डाल दिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक चले आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को एक नेम और उसके नीचे यहाँ से आप लोगों को यूजर नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है। इसको जैसे ही कॉपी कर लीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को बैक चले आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्रोम में चले आना है। क्रोम में जैसे ही आइएगा इसके बाद आप लोग तो यहाँ से पे टाइटल डाल चुके हैं और यहाँ से URL रिक्वायर्ड कर रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को अब टाइपिंग कर देना। टाइपिंग में आप लोगों को यहाँ से आपको instagram.com लिख देना है और यहाँ से आप लोगों को एक स्लैश दे देना है। स्लैश दे देने के बाद यहाँ से जो भी आप कॉपी किए हैं अपना लिंक उसको यहाँ से आप लोगों को पेस्ट कर देना है। इसको जैसे ही पेस्ट कर दीजिएगा तो ये जो आपका लिंक है सो बनकर तैयार हो चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये जो हमारा लिंक है सोशल मीडिया पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है यानी कि उस अबाउट सेक्शन में ऐड हो चुका है। तो यहाँ से हम आप लोगों को बैक आकर यूट्यूब में आकर दिखा देते हैं यहाँ से हमारा जो मनोज दे का चैनल है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपने योर चैनल में चले आना है। योर चैनल में जैसे ही आइएगा तो यहाँ से आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ से हम अबाउट सेक्शन में आ गए और यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक इंस्टाग्राम का जो हमारा था सो आ चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।